दुआए सहूरे इमाम ज़माना अलैहिस सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हसन वाघुम अहमत मशरकान वाहदात मगरबान सलवात लाघ हिमदामत नयरान अम्मा बाद फकत काल अल्लाह तबारक व तआला फी किताब अल मजीद व फरकान अल हमीद वाघवा सदकुल कायलीन व कौलहु अल हक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات الله عليه حضرات گرامی سادات المؤمنین سلام علیکم تحفہ یا علی مدد पाँच बारह चौदह तुहाडा मेरा इत्थे आउणा कबूल फरमावन। मेरे चाचा जी हाजी मोहम्मद अफजल चंद साहब भाई कुलरेज भाई नदीम भाई वसीम मालिक साहब की यह मेहनत अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। हाजी साहब ने मालिक शिफाए कुली नसीब फरमाए। पीर मुर्शद सकी तजमुल बादशाह हमदानी का मालिक कौम ते साया बरकरार रखे उन्हां दी जिंदगी दराज होवे। इस वेले मैं पंजे पारे सूरह शूरा की आयत नंबर त्रई की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अज की मजलिस पाक मैं मुहब्बत अहले बैत ते पढ़नी है तो मुहब्बत नाल ही पढ़ना। मदीने शरीफ के चंद मुसलमान इकट्ठे होए उन्हें आपस में मशवरा किया कि पाक नबी ने साडे ते बड़ी मेहरबानी की सानू काफरों मुसलमान बनाया साडा हक बनता पाक नबी नूं कोई तबलीग की उजरत देिए उजरत दिन अपने नार लै के हजूर की खिदमत चाहे सोने तेरी वजह तो सानू कुरान मिलिया इस्लाम मिलिया रहमान मिलिया साढ़े को तबलीग की उजरत दिरहम दे नार कबूल फरमा। नबी पाक साहिब अल्लाह के थोड़ी देर वास्ते रुके सन अल्लाह ने जिब्रील नूं आया दे के भेज दिता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। अल्लाह फरमा मेरा सोहणिया महबूबा इन्हां मुसलमानां नूं कह देना रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह नूं कह दे तुहानूं कलमा पढ़ाउण ते इस्लाम दी दौलत रोशनास कराउण ते तुहाडे कोल कुछ नहीं मंगदा इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। कोई गल करना मेरे खास कराबतदार नाल मवद्दत करो मवद्दत मेरे हाथ में किताब या सवाए कुलमौर कलाम अपने हजर मक्की मुफ्ती आदम मक्का मुद मैं अपने जमाने का इमाम काब है सवा किताब 170 वर्ग का सज्जा पास है सोने सौदा मेरे को सारा मैं कदे उधार नहीं खास रिश्तेदार ने जिन्हां दी मोहब्बत मवद्दत वाजब है नबी पाक फरमाया हुम अलीयुम व फातिमत वल हसन वल हुसैन मुस्तफा फरमाया जिन्हां दी
वद्दत वाजब है, मेरा वीर अली है, मेरा पुत्र हसन है, मेरा पुत्र हुसैन है, मेरी बेटी जहरा है, सलामुल्लाह अलैहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिया सुनी भाइयो इस्लाम की तबलीग बड़े औखियां की है। 13 साल मक्के, 10 साल मदीने, ताइफ गए वटे खादे लहू लुहान होए, गर्दन ते बेईमान हो जी रखते रहे, रात कंडे बसांदे रहे। अल्लाह फरमाया मेरा सोहणा महबूबा परेशान ना हो, अज तेरे तेन फटे पे मार दे, कल नू धीआं दे रिश्ते लैके तेरे बूहे ते ना आए, मैं अल्लाह ही नहीं। फरमाया सोहणिया परेशान ना हो, जिहड़े तैनू बट्टे पे मारदे ने दीन दी तबलीग वास्ते, कल नू इन्ना याद आना यार रसूल अल्लाह मेहरबानी कर ला रख ला। 23 साल तबलीग की उजरत मेरे शिया सुनी भाई भाई इन जिहड़ा इन्हां नू आपस च लड़ाए, गैर मुल्की जनसियां दा बंदा है, वो फंडड मौलवी है, बाहरों फंड लैंदा, जिहड़ा मौलवी बाहरों फंड लए उहनू आखीदा फंडड। शिया सुनी भाई भाई इन जिहड़ा इन्हां नू आपस च लड़ाए, मैं पूरे मुल्क च मुहब्बत और भाईचारे की फजा कायम करने और पूरे मुल्क चशरे भी पूरे मन में पढ़े ने, जितनी जगह पर भी पढ़े। शिया सुनी भाई भाई है, मेरे बुजुर्ग फरमाते सन जे शिया जे इस्लाम जिसम है तो शिया सुनी वो सजी खबी बाह, जे इस्लाम सारे तो शिया सुनी वो सजी खबी अख। मालक पाकिस्तान अमन का गहवारा बनाए, साड़ी पाकिस्तान की आर्मी मालक सलामत रखे, कौम के मुहाफज हैं। मैनू फौजी बड़े फजान दे, फौजी फौज भी किसी बुजदल बहादुर बनाना हो नारा हैदर का नाम देते, फौजियां भी अगर मैदान किसी भजाना हो कहें 1 2 3 अगला नस जाता, उन्हें नहीं खिलोना, गड्डी आई तभी टप जानी है, पहाड़ आया वह भी क्रॉस कर जाना। जो है ना शिया सुनी भाई भाई है, गल कुरान हदीस की है, अगर नबी पाक ने मंगी है तो सिर्फ मुहब्बत अहले बैत मवद्दत अहले पाए। तुसी पूरे जिला मंडी बावल दीन दे ते गिरदो नवाह दे मोमिनीन आए, मैं सफर करके आया, मेरा तो अपना घर है, हाजी अफजल चंद मेरे चाचा जी ने सारी जिंदगी मेरे बुजुर्ग आए मजलिस पढ़ी है, मेरा अपना घर है, भाई नदीम गुलरेज भाई वसीम मेरे भाई है, ये दूरों दूरों चल के आए, वो मजलिस ते या मैं आया, किसी ते एहसान नहीं, ये अजरे रिसालत वास्ते है, अजरे रिसालत ही अदायगी वास्ते है। तो समझदार बैठे हो, तुहानू पता है जो तक किसी शह की उजरत अदा ना की जाए सवाब कोई नहीं हुंदा, एवें गल अजे तुहाडे महल्ले च कोई पठान आ जाए सैकल ते मसले धर के तो महल का कोई बंदा उन्होंने नसवार के ध्याने ला के पिछों मसाला खिंच रहा है, वो तो 5 टाइम नमाज पढ़े कबूल है, जेडे चो बैठे हुए पढ़ते हो क्यों नहीं नमाज कबूल, क्योंकि मसाला चोरी का वो उजरत अदा नहीं की। 1400 साल हो गए मुसलमान नमाजा ते नमाजा प्या पढ़ना, रोजे ते रोजे प्या रखना, हज ते हज प्या करना, जो तू गमे हुसैन च मातम करके अजरे रिसालत यदान कीता, ना तेरी नमाज ना रोजा है ना गमे हुसैन च रो पई, गमे हुसैन च रो के या मातम करके तू रिसालत की उजरत अदा नहीं की, काधियां नमाजा ते काधे रोजे, ये इंज ही है जिमें मसाला चोरी का। असी कोई शिया नमाज रोजे दे तारक नहीं ना मुनकर हाँ, नमाज का बड़ा मुकाम है, पाक मुस्तफा फरमाया सलात इन कुबिलत कुबिला मा सिवाहा वा इन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा, नबी पाक फरमाया अगर नमाज कबूल तो सारे अमल कबूल, अगर नमाज ही कबूल ना हो नमाज मुँह त्या वजे तवजो है तो कोई शह कबूल कोई नहीं। रोजे की बड़ी शान, अल्लाह फरमाया सौ मुली वा अना अज बिही, बंदिया मेरी खातर रोजा रखे, 7वीं कोठड़ी में भी जाके कोई शह खाधी नहीं पीती नहीं हुके तक दी वारी नहीं गई, मेरी खातर रोजा रखे ये अजर भी मैं अल्लाह दें। पिंड मक्को वाले वाजबुल एहतराम सुनने वाले हो, हज का बड़ा मकाम है, जो बंदा हज कर रहा है उंजे ही जिवें माँ के ढिड चोने बाहर आया, उसके सिर से गुनाह कोई नहीं, गल बड़ी वड्डी कर लगा याद रखे। नमाज का मकाम है, असी शिया पढ़ने रोजे की बड़ी शान है रखने, हज का बड़ा मरतबा है, हज भी करने, लेकिन शिया सुनी भाई मैनू पूरे कुरान में एक आयत नहीं मिली जिदे चला फरमाया हो बंदिया तू नमाज पढ़ी ते तेरा शुक्रिया। अल्लाह कुरान चाजी
ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਵੰਨਾ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਮਨਾ ਮੈਂ ਹੈਦਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮੱਕੂ ਵਾਲਿਆ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਏ ਮੁਹੱਬਤ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਮਈਆ ਕਤਰ ਨਜ਼ਦ ਲਹੂ ਹਸਨ ਅੱਲਾ ਗਫੂਰੁਨ ਸ਼ਕੂਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਮਵੱਦਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲਾ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਖਾਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਮਵੱਦਤ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਨਜ਼ਦ ਲਹੂ ਫੀਹਾ ਹੁਸਨਾ ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾ ਗਫੂਰੁਨ ਸ਼ਕੂਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਤਮੀ ਮੁਹਿੱਬੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਏ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾਰੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਅਲ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਾਰੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਅਲ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾਰਾ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਰਾ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਰਾ ਵਿਲਾਇਤ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਵੱਦਤ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਸਲਕ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮਜਲਿਸ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਤੇ ਪਾਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਬੰਨਾ ਤੱਕ ਮਲੰਗ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਵੱਦਤ ਵਾਜਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਕਰਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਵਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤਦਕੀਤਾਬ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 5 ਸਫਾ 641 ਵਰਗੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤਬਿਆ ਬਰੂਤ ਆਖਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸੱਜਣ ਬਿਆ ਦੇ ਹਸਨ ਮਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਪਾਇਓ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਮੁਤਬਾ ਦਾ ਪਾਕ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਕਰੀਮੇ ਕਰਬਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਦਨੀ ਸਬਕ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਅਹੱਬਾ ਹਾਜ਼ੈਨ ਜਿਸ ਜਣੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਾਹੁਮਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਮਾ ਉਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖੀ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਨਾ ਮਈ ਪੀ ਦਰਜਤੀ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਜਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਮੁਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਬੀ ਬਣ ਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਮਰ ਉਹ ਮਾਇਮਨ ਅਹੱਬਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖਲੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਹਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖਾ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੱਕੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਨ ਕੂੜੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੂ ਜੀ ਖੜਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜ਼ਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੁਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਮੁਲ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਮੱਕੋ ਵਾਲਿਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੋਣੇ ਜੋ
जन्नत में जिथे आम बंद सिर होने ने उथे ज़हरा दे लाल दे मातमिया दे पिंड वाले जन्नत भी एक दो नहीं सत जनता ने सत ते जन्नत में वड्डा मुकामे मुकामे वसीला तफसीर इब्ने कसीर है जिल्द नंबर जी दो है सवा बुंजा वर्ग का सज्जा पास है तबे मिसर सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अनहुम अजमाइन शम्मा रिसालत दे परवाने मैं सदके मैं कुर्बान सहाबा बारगाह नबूवत विच हाजिर होए नबी पाक दी खिदमत विच अर्ज कीता मैं अस्कुन मा का या रसूल अल्लाह जन्नत विच वड्डा मुकाम होणा मुकामे वसीला ते तुसी इकल्ले होवोगे या होर भी कोई अफराद तुहाडे नाल होवन सोने मक्के ते मिठे मदीने शाद फरमाए मुसलमानो याद रखो जन्नत विच वड्डा मुकाम होणा मुकामे वसीला ते मैं कल्ला ना होवांगा मेरे नाल केड़े अफराद होण दे होम अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन शिया सुन्नी भाईओ काली कमली वाली सरकार फरमाया जन्नत विच वड्डा मुकाम मुकामे वसीला मुकामे वसीला मेरे नाल मेरा वीर अली होसी मेरा पुत्र हसन मेरा पुत्र हुसैन मेरी इकलौती बेटी ज़हरा तो फिर मुसलमाना फैसला हो गया अज पिंड मको फैसला हो गया जन्नत में बड़ा मुकाम होना मुकामे वसीला ते होना पांच टन पाक दे कदमा च होना पंजा दे मुहिबा मातमिया ने बाकी सारे थले दीन ना ही पांच टन पाक दी मबत्तत है बिस्मिल्लाह दीन ना ही पंजा नाल प्यार दा और दीन किनू कहिंदे किसे फकीर बंदे गल सही कीती है जिहदा पंज टन नाल प्यार नहीं उहदे कलमे ते एतबार नहीं भावें बार्डर टप के मोदी नाल रल जाए दीन ना ही अहले बैत दी मुहब्बत मबत्तत दूसरी हदीस फातेह कश्मीर सैयद अली वली हमदानी मबद्दतुल कुरबा सफा 52 विच हदीसे नबी दर्ज कर दें पाक मुस्तफा इरशाद फरमाया हुबु आले मुहम्मद नियो मनाफजल मेरे बाता ते सनाते नबी पाक फरमाया आले मुहम्मद नाल एक डी दा प्यार साल दी इबादत अफजल इस वास्ते चाचा जी अफजल चंद जी हर साल 14 मुहर्रम की मजलिस का इहतमाम कर दें ताकि मुहब्बत मुहब्बत अहले बैत का सबूत हो इस वास्ते मातमी संगत साथ हैं तो मुसलमाना तू भी घर च पंजा का जिक्र करा तेरी सारी साल की इबादत तरा दियाँ हर शाह एक पास मातम हुसैन करके मुहब्बत अहले बैत का सबूत दे तीसरी हदीस है नबी मैं किताबो सुनत नाली गुफ्तगु करना कुरानो हदीस तो कभी बार गुफ्तगु की नहीं मैं बेदलीले का पुत्र नहीं आले, मैं मातमिया के पैरों की खाक हाँ सादात का नौकर सादात की कनीज का पुत्र दुआ हथा तो कुरान चाह के कहीं ना मंडी बाउदी ना लिया जिमें माँ तो धी ना निकाह हराम है गैर सैयदा सैयदादी ना निकाह हराम जिहड़ा फतवा दे जायज़ दा उसका फतवा सी जुत्ती की नोक के बराबर नहीं समझ असा गल वो मनीए जो अल्लाह का कुरान आखे मुस्तफा का फरमान आखे मौलवी की जाती राय तिरमदी शरीफ नबी पाक इरशाद फरमाया मुहब्बत है शिया घोड़ा कट देने शिया पिट देने शिया छुरियां मार देने शिया सबीदा लांदे ने मुहब्बत ते अमल करने कोई बंदा मुंह मुहब्बत ही हद मुकरर कर दे दीन ना ही मुहम्मद वाल मुहम्मद नाल प्यार शिया कलमे चली नूं वलीउल्लाह पढ़ते हैं जी शिया अजान में चली नूं वलीउल्लाह पढ़ते हैं जी शिया नमाज के तशाहुद में चली नूं वलीउल्लाह पढ़ते हैं असी आए थे मुबद्दत ते अमल करने हैं जब प्यार किया तो डरना क्या आदने नहीं नहीं जी बजा फरमा रहे हो मैं हवाला दे रहा कह पुछते ने जी नहीं जी जे किसी मुजतेद भी आख्या हो शाह दीन वलीउल्लाह पढ़ना हर साल मुजतेद भी नवे आते हैं किताबा भी नवी छपदियाँ मेरे हाथ में किताब है इसका नाम है अश शहादत उस साले सतो
तीसरी गवाही यानी अलियोन ईरान दे मर्जी अली कदर ने किताब लिखी है 65 साल उन्हां दी जिंदगानी मुबारक है। ईरान च जिंदा मुत्तद बैठा है, मालक उहदी जिंदगी दराज रखे। इस मर्जी अली कदर दा नाम है मुहक्किक मुफस्सिर आयतुल्ला नजाह ताई ताई वाली ताई नहीं आतम ताई जिवें तूं इन्हां लिखे था। ये मर्जी अली कदर ने हाजी साहब 401 सफ़े ते किताब लिखी है किस गल ते। वह फरमाते हैं शहादत साले सतो वाजिबतुन जुज़ियतुन फिर अजाने वल इकामते व तशहुद सलाते व सलातुल मस्जिद। मर्जी अली कदर कहते हैं अलियुन वलियुल्ला वाजिब है, कलमे में भी, अजान में भी, नमाज के तशहुद में भी, नमाज जनाजा में। पिंड मक्कू वाले भी गल बड़ी प्यारी लिखते हैं, वो कहते हैं वला यजूज़ अल फुकहा निकाल सके। क्यों? ओ फरमान ने अली उसूल है और उसूल दीन में तकलीद हराम है। जड़े कहते सन कोई मुझते अली वली आखे तशाहुद अली वली पढ़ने आयतुल्ला नजाह ताई तशाहुद अली वली कहता वाजिब तिलावत करो अली दी नमाज। अगली गल उन्होंने को पूछी गई कि कुछ बंदे 40-40, 50-50 साल लंघ गए, उन्होंने नमाज अली वली नहीं पढ़िया तो की करन? मर्जी अली कदर कहते ने जे तो उन्हें बुगज तो नहीं पढ़िया तो फिर सारिया नमाजा ही उन्होंने गई ते सारिया नमाजा परतौन उन्हां दी कज़ा अदा करन। जिहड़े कौम दे बच्चे हो मैं तुहाडे मज़हब दा छोटा जिहा वकील हाँ, मैं हुणे कहिंदा नमाज चली दे नां दी तिलावत कर लो, ये ना होवे 40 साल बाद फिर यू टर्न सलवात पढ़े बाबा ने बणाउणा। पिंड मक्कू वालियो मंडी बाउलदीन दे गयूर शिया सुनी भाईओ और सईदो मोमनो मेरे बुजुर्ग अलामत आज दिन हैदरी मालिक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए, हाजी साहब के मरहूमीन के भी दर्जात बुलंद हो। पूरे इलाके मेरे तबलीग मेरे बाबा दी जिला मंडी बाउलदीन पूरे पाकिस्तान तबलीग है, लेकिन मंडी खसूसी तौर पर मेरे बाबे की तबलीग है, सुहावे का मुनाजरा गवाह है। ऐ शहादत मेरे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी किताब लिखी है शहादत सालसा का जवाज दर तशाहुद नमाज, नमाज में मौला अली की विलायत की गवाही। ये मोमिनी ने इसरार किया किताब मुक गई थी तो मैं कोई 7 साल बाद दोबारा छुपाई है तो मैं इजाफा भी बेच किया हवाले। इस किताब में मेरे बुजुर्गों ने नमाज में अली वली पढ़न से 16 मासूमीन के फरमान लिखे ने 60-65 खतमे भी लिखे ने। यह सफा 90 तक उर्दू है, वो सारी अरबी फारसी है। जिस बंदे नूं पढ़ना ना आवे वो मेरी गड्डी दे नेड़े ना आवे ते जिहड़ा पढ़न दा शौक रखदा रिसर्च नूं पसंद करदा मैं मिंबर छड्डा ते मेरे ड्राइवर कोल आके किताब खरीद सकदा है। इहदे च 16 मासूमीन दे फरमान ने नमाज चली वलीला दे ते 65 मुज्तहिदां दे फतवे मुबारक भी ने। यह किताब का हर घर में होना जरूरी है, जिथे जिथे किताब जाएगी मुकसरां दे जरासीम मर जाण दे सलवात पढ़े बाबा जी बड़ा ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लबादों में ढल रहे हैं है बुग़्ज़ी हैदर की आग ऐसी कई मुनाफ़ती चल रहे हैं अली का खाके अली को भौंके ये तेरी फितरत है वरना मुल्ला तेरे जैसे हजारों कुत्ते अली के टुकड़ों पर पल बिस्मिल्लाह बोल के दिल खोल के खुले ईमान नारा देखो ना पीरो मुर्शिद सगी ते जमुल बादशाह अमदानी सरकार दुआ फरमेसन मेरे वास्ते तवज्जो है ना। हुण जेड़ा कोई आखे मैनू मैं आयते मुबद्दत अमल करना मैनू पंतन पाक नाल प्यार है, हाजी साहब जी नूं पंतन नाल प्यार है, वह कभी मातमे हुसैन की जंजीर जनी की मुखालफत नहीं कर सकता। जिसनों आयते मुबद्दत दिरू नाल पाकां नाल प्यार है ये प्यार तो नहीं ना बंदा आखे अली दे नाल नाल नमाज ही बातल सलवात पढ़ा बातल पढ़ा तफसील वास्ते किताब ले लें दीन ना ही शिया सुनी प्रावो
मुहम्मद वाले मुहम्मद की मुबद्दत है। शिया सुनी भाई भाई मैं एक खारजी कहिंदा खारजी कहिंदा है तो मुबद्दत का तर्जमा वह तो नहीं जिहड़ा तुसी करदे हो। तो मैं क्या होर किहड़ा तर्जमा है? कहिंदा सीधी जी गल नबी पाक आख्या को ला सर कमरे हाजरा इलल मुबद्दत फिर कुरबा। नबी आख्या काफरो मुशरको मैं 23 साल तबलीग की गुजरे तुहाडे कोल कोई नहीं मंगता। इलल मुबद्दत फिर कुरबा सिर्फ ये कहना अपने अपने रिश्तेदार प्यार करो। वो पिंड वाले अपने रिश्तेदार केड़ा प्यार नहीं करता? जे कोई अपने रिश्तेदार प्यार करे भी चोर रसूल की दबा देना ते अजरे रिसालत है। पता चलिया तर्जमा गलत है। एक दूसरा तर्जमा किया गया कुल्ला साहब कमल हजरा इलल मुबद्दत फिर कुरबा कि नबी पाक आख्या काफरो मुशरको मैं 23 साल तबलीग की गुजरे तुहाडे कोल कोई नहीं मंगता। इलल मुबद्दत फिर कुरबा सिर्फ ये कहना अल्लाह का कुरब हासिल करो। अल्लाह का कुरब अल्लाह के नेड़े होने वाले काम करो। पिंड मकवाले शियो सुनियो अल्लाह का कुरब हासिल करना चाहिए लेकिन इस आयत मुबद्दत में जो लफ्ज़ अल कुरबा आया है ये तो मुराद अल्लाह का कुरब नहीं नबी के खास रिश्तेदार है। पूरे कुरान में लफ्ज़ अल कुरबा 15 दफा आया है। कितनी दफा आया? 14 जगह जिते भी लफ्ज़ अल कुरबा आया उ तर्जमा करने वाले तर्जमा ठीक किया खास रिश्तेदार खास रिश्तेदार। लेकिन जो आयत मुबद्दत की वारी आई जिद नबी दी अहले बैत दे मुहब्बत दे वाजिब होने वाली गल आई उथे कुरबा दा मना कुरबे खुदा कर दिता। क्यों क्यों दुश्मनी है तुझे अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछा बड़वा लैण से। एक तीसरा तर्जमा भी किया गया आयत मुबद्दत का। मैं जी आयत पढ़ना वो त्याजी साहब जो इतराजात होंगे ने उन्होंने भी मैं मुहब्बत प्यार पुरमन तरीके जवाब देना। एक तीसरा इतराज भी किया गया कुल्ला सालू कमल हजरान इलल मुबद्दत फिर कुरबा कि नबी पाक फरमाया काफरो मुशरको मैं 23 साल तबलीग की गुजरे तुहाडे कोल कोई नहीं मंगता। इलल मुबद्दत फिर कुरबा सिर्फ ये कहना मेरा कोई ख्याल करो मैं कोई तुहाडा लागना कोई मेरा तुहाडे नाल तल्लुक है। कायनात दा रसूल होवे ते तरले काफरां दे मारे तरले करना भी सुन्नत रसूल है या फिर मन ने भी तर्जमा गलत त्रै भी तर्जमे गलत ने त्रवां चो एक तर्जमा भी सही। मैं जो अजी साहब किया मैट्रिक साइंस नाल मेरा क्लास फैलो सी हाफज़े कुरान सी है सी उंज बेईमान है सी बेईमान मैं कह लगा ये तुम कि शिया मदरसा च अहले बैत पंचन पाकते अहले बैत पंचन पाकते अहले बैत पंचन पाक तू भी अहले बैत मैं भी अहले बैत तू भी अहले बैत मैं भी अहले बैत। मैं क्या हाफ़िज़ साहब सारी दुनिया अहले बैत बन जाए तुम अहले बैत ना बने क्यों? मैं क्या अहले बैत होने जिन्हों से सदका सदका का खाना हराम तुम अहले बैत बन गए उंजे ही भूखे मर जाओगे। अहले बैत बन गए खाला कि खाने तहकीक पसंद करते तवज्जो मेरे एक एक लफ्ज है। मैं कह लगा कि आयत जिदे अहले बैत की मुबद्दत मैं कुल्ला साल कमल है मुबद्दत फिर कुरबा कह लगा ये आयत नाजिल हुई मक्के ते हजरत अली दी रसूल दी धी नाल शादी हुई मदीने। कहिंदा जदों आयत मुबद्दत नाजल हुई उदों मौला अली दी रसूल दी धी नाल शादी कोई नहीं सी हुई ते इमाम हसन हुसैन दी दुनिया ते कोई नहीं सहंदी इन्हां दी मुहब्बत किवें वाजिब पंजाब किताबां चों ढंके दी चोट ते पेश करना। बरादरां दे सलाम दे तीसरी सदी दा मुफस्सिर इब्न जरीर तब दित्ता गंके तफसीर फतुल कदीर तक उलमाए इस्लाम ने गल तस्लीम कीती है पूरी की पूरी सूरह शूरा मक्के में नाजिल हुई लेकिन मुबद्दत वाली आयत मदीने शरीफ में नाजिल हुई। उस वक्त मौला अली की बीबी पाक से शादी हो चुकी थी और इमाम हसन हुसैन भी दुनिया में नाजिल हो चुके थे। मेरे शिया सुनी भरावो अगर आयत मुबद्दत को ला सर कमल है आजरा ये अगर मुबद्दत वाली आयत मक्के च भी नाजिल होवे ते कुराने पाक च बहुत सारिया आयतां ने जिहड़ियां मक्के च लथियां ते अमल उन्हां ते मदीने होया हजारों आयतां जो चाचा जी मैं कायत सुनान लग ठाइया पारा है सूरह जुमा मेरे खालिक दा कुरान मेरे मौला दा फरमान छोटी मोटी नहीं कच्ची पक्की रोटी नहीं रब दा कुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फज़ला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैत। ये
मैं जुमे वाली आया तो पढ़िए जुमा पढ़ा नहीं लगा अज सवार जुमा ना सवार नु हुंदा बुद्ध नु ते हुंदा ही नहीं लेकिन जुमा पढ़िया गया मदीने अमल होया मदीने जेडे कहें मुहबत वाजे कि आयत मक्की फिर शादी हुई मदीने ते वगैरा वगैरा तवज्जो है ये जो जुमे वाले दिहाड़े मौलवी इलाके के रुपया वाले बंदे काबू करने होन तो उदो मक्की आए तो भी मुफ्ती अमल कर लैंदा है तो जो ऐसे बैत नाल प्यार की वारी आए तो मुफ्ती इवें बहाने लाता जिमें चची जनानी चाह ना पकानी हो कहती है बाले दिया पा खंड कर दी मुकी है तो जना खंड लिया तो उन्हें तेन नहीं पता बालन गिला पिया सर तत्ता टपता पत्ता टप तो जे जना सुखा बालन भी लिया दुध भी लिया पति भी उन्हें आखना बाले दिया पा तू हर शह लैं पर आ जी कंड की पीड़ पाक रसूल नूर भी मानने नबी पाक हाजर नादर भी मानने हजूर दे इलमे गैब के भी कर नबी दे जान सार सहाबा भी मानने वफादार बीबिया का भी नाम लेने शिया सुनी मिल के असी वलिया के दरबारा से भी जाने तो इस चीज़ से असी कह लें कि नबी और आले नबी इलमे गैब जानते हैं जे मुसलमाना मुबद्दत वाली आयत मक्के च भी नाजिल हो गए हुजूर इलमे गैब जानते हैं आने वाले हालात वेख के अपनी अहले बैत दी मुहब्बत उम्मत कोल मंग सकते हैं मुसलमाना असी शिया खत्म दरूद भी कायल असी शिया दरूद वाले आ बरूद वाले नहीं दहशतगर्दी ते लानत ते दहशतगर्दां ते लानत फिरका वरीयत वाली लानत भी असी लानत पाने मेरे अले सुनत भाई पिंड मकवाले असी शिया रोज़ा रसूल ते जाइए वो दीवार भी चुमने जी रोज़ा रसूल नाल लगती है भावें पत्थर की बनी है एक दोस्त कह लगा तुसी पत्थर चुमदे पत्थर जरा पत्थर चुमे तो मुशरे मैं क्या पत्थर ते जनाब भी चुमदे ने खेकड़ा मैं क्या हजरे तू वड्डा भरा सी तू वड्डा मुशरे अज करके आए बैठे हो शिया सुनी तुहानू इलम है उत्थे शुरते खलोते होंगे ने रोज़ा रसूल की जाली भी चुमन नहीं देंगे असी शिया आश के रसूल बाद नहीं आते रोज़ा रसूल की जाली भी चुमने ये बंदा कहता लोहिया चुम दो मैं खानी जाली चुमने लोहिया चुम दो मैं खानी जाली चुमने लोहिया मैं क्या हाफा जी इस कुरान का कोई एहतराम है कहता हाँ है तो मैं क्या फड़ो हाँ तो पिंड पिंड मकवाले फड़ के चुमन लग पा मैं क्या गत्ता पिया चुमने हाफा कहता मैं गत्ता नहीं चुमदा जे विच कुरान मैं क्या शिया जाली नहीं चुमदे विच रसूल निस्बत एहतराम दीन नाए मुहम्मद वाले मुहम्मद की मवद्दत नमाज रोज़ा हज ज़कात एदा इनकार नहीं लेकिन शियो सुनियो तुहानू पता है नमाज की किसी वेले छुट्टी भी है पुछोगे नहीं छुट्टी है वे छुट्टी दसन लगे नमाज की किसी वेले छुट्टी भी है किवें आखोगे हज़रत अब्बास हैदरी फाजल प्यो का पुत्र है छुट्टी किवें नमाज वाजब है लेकिन बच्चे तो वाजब नहीं छुट्टी तो हो गई रोज़ा वाजब है पर बीमार तो नहीं अगले साल सारे बीमार ना बन जाए रोज हज वाजब है हज बंदा कड़ा करे वलिल्लाहि अलन्नास हिजर बैत मन इस्तता इलैहि सबीला हज बंदा वो करे जड़ा हज दी ताकत रखदा है पहले 3 लाख लगता सी हुण 5 लगता चलो तवज्जो है भावे 5 लाख लगता तो उन्हें हज करना जिहदे कोल 5 लाख भाई जी ज़कात जिहड़ी है ज़कात उदों वाजिब है जदों ज़कात दा निसाब मुकम्मल ते जे ज़कात दा निसाब मुकम्मल नहीं ते ज़कात दी भी छुट्टी है जिहाद उदों वाजिब बणा जदों हुक्म होणा मेरे बाहर दे इमाम दा वक्त दे इमाम दी ज़ात ते मिल के बुलंदतरीन सलावत पढ़ मुहम्मद वाल मुहम्मद पिंड मकवाले इमामे ज़माना दे हुक्म तो बगैर जिहाद वाजिब ये जिहाद नहीं जिहड़ा पाकिस्तान है जी मौलवी दहशतगर्दी करके तो मसीते भंगड़े पाते हैं अल जहद ये जिहाद नहीं है दहशतगर्दी है जी हराम बहावल नगर जिन्हें जलूस से हमला किया दुआ करो मालक उन्होंने जल्द कैफे किरदार तक पहुँचा दे और हुकूमत वक्त उन्होंने करारे वाकई सजा दो ये जिहाद नहीं इतने रुक के गल सुना एक मौलवी साहब शुगर बड़ी तेज़ हो गई
उन्हें आख्या मर मैं अगे जाना तो बार्डर से टुट जाने शहीदा च मेरा नाँ लिखा जाएगा। वो बार्डर से गया तो पटाके पटूके चले तो हजरत तुरी बेहोश इन्नी चुकी मोड़ भी हूँ उन्हें समझा मैं मर गया जन्नत टुट गया। तो पिंड मकवाले रब की करनी ऐसी हुई बार्डर से खुसरिया का गुजर होया रब की करनी तो मौली साहब समझा मैं मर गया जन्नत टुट गया जेडे सामने खुसरा है जन्नत की हूर है उन्होंने फड़ के कहता तू कहो जी हूर है उन्हें आख्या जो जी तू शहीद है वह जी मैं हूर हाँ जो है ये लतीफा सुनाना मकसद नहीं ये दहशतगर्दा मुतवजे करने वास्ते गल सुना रहे मौला दे बेहतरीन जाकर और वाजिब एहतराम तशरीफ फरमा ने डी ए साहब भी आए अपने बच्चे पढ़न भाई नसर जी तशरीफ फरमा तवज्जो है ना सारे आ खुद कुछ हमला आवर ना किसी दूजे को ख्वाब च मिलिया उन्होंने आंदा यार मसाला थोड़ा पाया करो मैं ते जन्नत तो चार मीट पढ़ा जा डिगा तवज्जो है आ मसाला जरा थोड़ा पाया करो ये गल करन दा की मकसद है ये जी दहशतगर्दी कर देनी ये जिहाद नहीं मुसलमान का कतल दूसरे मुसलमान के हराम है जिहाद उदो बाद होना जो बार में आका का हुक्म होना शरह से शर्म कोई नहीं कोई चीज़ा मर्दा बाद बने औरतों तो नहीं कोई औरतों के बाद बने मर्दा तो नहीं कोई चीज़ा घर में बाद बने सफर में नहीं कोई सफर में बाद बने घर में नहीं मेरा शिया और अहले सुन्नत सुना मेरा दो मिनट की वजाहत करन दा मेरा मकसद की है दीन विच इस्लाम विच कुरान विच जिन्हें वाजबा ते फरीजे है ने मुसलमान उन्हां दी किसे वेले किसे टाइम किसे जगह ते छुट्टी भी है रुखसत भी है लेकिन मोहब्बत अहले बैत मोहब्बत अहले बैत एडा वड्डा वाजब है जिहदी किसे वेले भी छुट्टी नहीं अपना नाल प्यार जिवें बच्चे ते वाजब है जवान ते वाजब है बुजुर्ग ते वाजब है छोटे ते वाजब है बड़े ते वाजब है मर्द ते वाजब है औरत ते वाजब है घर विच वाजब है सफर विच भी वाजब ते सारे वाज बनो बनो वड्डा वाज शियो सुनियो पंचन पाक दी मुहब्बत है लिहाजा असीं मातम करने आ जां तशहुद चली नूं वलीला पाणे आ सानूं पाकां नाल प्यार है ते कदी विलायत दी आजादारी दी जंजीर जनी दी एहतराम सदा दी मुखालफत ना करें अली उन वलीला को अपनी पसंद रख नहीं तो मुंह बंद रख अली उन वलीला को अपनी पसंद रख नहीं तो मुंह बंद रख हालात जैसे भी हों इमाम ज़माना वारिस हमेशा जिक्र अली बुलंद रख अगर तू चाहता है जन्नत में चला जाए खुद को अली उन वलीला का पाबंद रख अली उन वलीला अली उन वलीला आज दी मैं मुकम्मल मजलिस मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत और बड़े पुर अमन तरीके नाल मोहब्बत प्यार नाल अंदाजे बयां करके बहुत शौक नहीं है शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात तफसील वास्ते अली उन वली वाली बुजुर्गां दी किताब लै लिया जाए जिहड़ा पढ़ना चाहता है गड्डी दे कोल आके लै सकदा है शाम दे बाजार विच एक हराम जादे ने वटा चाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं मारे पास बार माका तुहाडा मेरा भूसा कबूल करे मेरे चाचा जी और अहतमाम कबूल हो गए मेरे भाई नदीम बुल रहे जसीम का अहतमाम कबूल हो गए हर अली वली लपड़न वाले मातमी जदार के बार में आका मुहाफज हो ते दुआ करो ये जितना जमे गफीर है दुआए करो तुहानू मैनू मालक जिंदगी दे आखरी साक खून दे आखरी कतरे कलमे अजान नमाज में चली वरीला के अकीदे के बाद बाकी रखे और सुनू मातम और जंजीर जनी के अकीदे के ताजा हुए इमाम जमान मारक बाकी रखे बाजार शामी ने बटा चाया चौथे इमाम मारन वास्ते तुहाडे मेरे सैयद साजिदीन ने उस शामी हरामी की तरफ डिठा फरमाया आकरा अकुला सलकुम रहिया जिन बंदा आयते मुवद्दत पढ़ी आ कहने लगा पढ़िए मासूम फरमाया जमीन तो वटा चाहे जिन मारन की ते असी नबी दी अहले बैत जिन्हां दी मुहब्बत अल्लाह ने कुरान विच वादे करा अज लोग पुछदे ने शिया मातम करदे ने केड़ा इमाम है जिन्हें मातम दा हुक्म दिता है वसायल शिया किताब है जिल्द 3 सफ़ा 945 आओ साबू जा फरन बे समान मियाँ ते दिरहम ले मातम ही सही तो मोमनो शियो सुनी तुहाडे मेरे पंजवें इमाम फरमाया बेटा जाफर सादिक ये मैं 800 दिरहम मुकर्रर कर रहा हूँ ये 800 दिरहम मुकर्रर कर रहा हूँ आज के मौसम में मीना के मकाम पर मेरी मजलूमियत का मातम करना ये मुकसर भी पूछ देने केड़े इमाम आख्या मातम करो सही मातम करना वो चौथे इमाम सारी जिंदगी मातमदारी में जी के गुजारी काला लिबास पहने मेरे सैयद साजिद इमाम मदीने पहुंच के
अजादारी छीने ने सैयद साजदी सैयद मोमन शिया सुनियो मौला हुसैन दा बीमार पुत्र मदीने पहुंच के पानी वेखना तां रोना खाना वेखना तां रोना बाजार जाना तरक कर दिता सैयद साजदी ने सैयद मोमन जो किसी अहम काम वास्ते मेरे चौथे इमाम नु बाजार जाना पैंदा कसाई वेंदे ज़ैन लाबदीन आ रहे अपने बख्श ज़बाशुदा बकरिया ते कपड़ा पाशा सैयदा को ते इमाम ज़माने को माफी मांग के जुमला कहन एक अहम काम वास्ते मंडी दा भाव दी नाले तुहाडे मेरे चौथे इमाम बाजार गए एक कसाई अपने ज़बाशुदा बकरे ते कपड़ा पाना भूल गया इमाम सज्जाद करीब जाके कसाई नु पुछया जदों इनू ज़बा कीता सही पानी पिया लिया सही मुसलमान जानवर ज़बह कर देने पानी पिला लेंदे ने तेनु तीन दिन का भुखा ते तरसा शहीद कर दिता तेरे गल ते खंजर चला दिता किसे इमाम सज्जाद पाक को पुछा तुहाडे बाबा दे जिस्म ते जख्म कितने आए अज 14 मुहर्रम है तारीखी मजलिस सराना हुंदी तुहाडे बाबा दे जिस्म ते जख्म कितने आए पिंड मक्वाले तुहाडे मेरे चौथे इमाम अंगूठी दे नगीने दी तरफ देखना शुरू कीता फरमाया मेरे बाबा दे जिस्म ते नगीने जिनी नी जगह खाली नहीं पूछा गया सब तो ज्यादा जुल्म कीते होए तीन मर्तबा फरमाया अशां जानवर दी कांड ते कोड़ा मारिया असी शिया क्यों ना चोले ला के बाजारां च जंजीर दनी करियो मेरा करीम इमाम जिसने कभी जानवर की कंड से कूड़ा नहीं सी मारिया इन्हों बेगैरत का जिथे दिल करता दो मिनट मैं मजीद इबादत करनी है सफर करके काफ़ी दूर जाना है फिर मैं इजाजत चाहवा मालिक तुहाडा मेरा पुरसा कबूल करे चाचा जी होरां दा इत्माम कबूल होवे शियो सुनियो अज़ादारो मातमियो शाम चो मिन हाल आया मदीने इमाम सज्जाद ने पूछता मौला कब तक रोएंगे कब तक सैयद साजिद ने फरमाया मेरे हाल को इंसाफ नहीं किया याकूब का एक यूसुफ जुदा होया थी उन्हें रो रो के अखा खत्म कर ली सन मेरे 10 मुहर्रम नु कई यूसुफ शहीद हो गए पैरी डिग के कहिंदा मौला शहीद होना तुहाडी मीरास है ये ते तुहाडा विरसा है बका बका शहीद इमाम ज़ैनुलाबदीन खून रो के फरमाया मेरे हाल शहीद होना साडी विरासत फुफियां दे सर नंगे होना आखिरी जुमले ने हसीन बिन नमीर भी आया इमाम सज्जाद पाक हसीन बिन नमीर मैं मुसाहिब भी पढ़ना जाकिर साहब जिहड़ा मैं किसी किताब पढ़ा हसीन बिन नमीर फारसी की तारीख तबरी थे जिहड़ी मेरे तक रवायत पहुंची है पीरो मुर्शिद सरकार ने 7 किस्म का खाना खिलाया हसीन बिन नमीर सात किस्म का खाना खिलाया मैं किवें जुमला बयान करा बर्दाश्त कर सकूं खाना खिलावन वाले सज्जाद हमदानी मुर्शिद खाना तैयार करने वाले मुसाफिर शाम आई सैयद साजदी खाना खिलाया जिसने तैयार किया मुसाफिर शाम आई हसीन भी नहीं बस खाना खा के उठे इमाम सज्जाद पाक ने नौकरा नु हुक्म दिता कणक दियां बोरियां तरो उठो मैं सज्जाद जाना हसीन बिन नमीर दे बच्चे भुखे ने पैरी डिग के कहिंदा लगदा है हसीन बिन नमीर पैरी जम के कहिंदा लगदा तुसां मैनूं सुझाणिया नहीं इमाम ज़ैनुलाबदीन खून रो के फरमाया हसीन बिन नमीर मैं तैनूं किवें भुल सकना तू मेरे अकबर दा कातल है गल नहीं है 10 मुहर्रम नूं असीं तेरे मेहमान सां ظالمین سیانم الذین ظلموا ایام انقلبین کلبون